हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विटामिन सी सीरम के बारे में, जो कि है हमारे पास टर्माको वर्सेस मिनिमलिस्ट। सो गाइस, इन दोनों विटामिन सी में कौन सी बेस्ट विटामिन सी सीरम होने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि दोनों ही विटामिन सी में सबसे बेस्ट विटामिन सी कौन है और कौन सी स्किन टाइप के लिए, इन दोनों विटामिन सी में से कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सी विटामिन सी बेस्ट होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल लुक की, पैकेजिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे MRP की बात कर ले तो इसकी जो MRP है 349 और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की और इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ml की क्वांटिटी है। और सारे ही इंस्ट्रक्शन आपको इजीली देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सल्फेट फ्री, मिनरल ऑयल फ्री और पैराबिन फ्री होने वाले हैं। और इंग्रेडिएंट्स भी आपको इजीली इसके मिल जाएंगे। 5% इसमें नियासिनमाइड है और विटामिन सी है, हेलोरोनिक एसिड भी है और इसको आप डे एंड नाइट दोनों में ही यूज़ कर सकते हो। बात करें इसके डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स की तो सारे ही सारे मेंशन कर रखे हैं इसके बैक साइड के ऊपर। और इंग्रेडिएंट्स में आपको 30 एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिनमाइड, फेरोलिक एसिड और हेलोरोनिक एसिड। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में अच्छे 5% नियासिनमाइड है। तो नियासिनमाइड क्या करता है, आपके स्किन के जितने भी सीरम प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है। सो गाइज, ये था थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि इस डर्माकोक में क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमलिस्ट वन के बारे में कि मिनिमलिस्ट और डर्माको में थोड़ा बहुत क्या डिफरेंसेस हैं। पैकेजिंग के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो ये जो है मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी है। मिनिमलिस्ट का जो विटामिन सी सीरम है इस ये जो क्लेम करता है कि ये ब्राइटन्स एंड इल्यूमिनेट्स द स्किन। सो एज ये कितना क्लेम करता है और कितना सही में ये रिजल्ट देता है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसे ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में। तो इसकी जो क्वांटिटी है 10 ml की है और इसकी जो प्राइस है 299। और ये थोड़ा सा डर्माको के बारे में हम जाने तो ये डर्माको से थोड़ा बहुत इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि डर्माको का जो 10 ml का क्वांटिटी हमें 349 में मिल रहा था और यहाँ पे जो मिनिमलिस्ट का हमारे पास 10 ml की क्वांटिटी है वो 299 ओनली। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा बहुत कंपैरिजन है तो मिनिमलिस्ट यहाँ पे इनएक्सपेंसिव लगता है डर्माको। सो गाइज, इंग्रेडिएंट्स को हम देखें तो दोनों में ही इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी का जो क्वांटिटी है वो दोनों में ही सेम है, 10% दोनों में ही आपको विटामिन सी मिलेगी। बट जो डर्माको है उसमें 5% नियासिनमाइड भी है, ये प्लस पॉइंट है, और विटामिन सी प्लस हेलोरोनिक एसिड है। और मिनिमलिस्ट में अगर हम बात करें इसमें सेंटेला और पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड है। सो गाइज, दोनों में ही थोड़ा बहुत इसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसके दोनों ही प्रोडक्ट की, इनकी कंसिस्टेंसी, सबसे पहले हम बात करेंगे डर्माको के बारे में तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी बहुत चिपचिपी है, थोड़ी बहुत आपको स्टिकी लग सकता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत चिपचिपी लग सकती है, जिनकी ऑयली स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा बॉदर हो सकती है उनकी स्किन, क्योंकि विद इन सेकेंड्स ये ऑब्जॉर्व हो जाती है। बट थोड़ी बहुत आपको चिपचिपी स्टिकी फील होता है, इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी बहुत स्टिकी है। अगर हम बात करें मिनिमलिस्ट की तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टिकी है, काफ़ी ज़्यादा वाटरी है, सो विद इन सेकेंड्स ऑब्जॉर्व हो जाती है। और जो डर्माको की है थोड़ी बहुत टाइम लेती है आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व होने के लिए। सो गाइज, अगर आपकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है तो सो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमलिस्ट को चूज़ करो। और अगर आपकी जो स्किन है थोड़ी बहुत ड्राई साइड की ओर है तो आपको डर्माको का ये जो मिनिमलिस्ट का विटामिन सी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइज, जो डर्माको की विटामिन सी है वो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है और जो मिनिमलिस्ट का है वो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, अगर आपकी जो स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हैं, एक्टिव एक्ने हैं, सो एज विटामिन सी बिल्कुल भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कितना ज़्यादा आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। सो विटामिन सी को इग्नोर करें अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने हैं, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखे हैं तो। सो गाइज, अगर हम मैं बात करूँ इन ओवरऑल इन दोनों की ही तो दोनों ही विटामिन सी बेस्ट हैं, अपने अपने जगह पे अलग अलग स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के अनुसार। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।